अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सारे ठीक ठाक हो? अल्लाह के शुक्र और करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह 6:30 का टाइम है और देखें आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। आज बारिश के मकान आते हैं, बादल गरज रहे हैं। शायद आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन बादल गरज रहे हैं। कौन सी फ्रॉक वाली यूनिफॉर्म? बस खैर है ना, ये वाला पहनाती हूँ ना आज। मानो कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना रही, ये वाले कपड़े पहना रही हूँ। कल ये स्कूल में गिर गई थी और इसके कपड़े गंदे हो गए थे, जिसकी वजह से वो धुले हुए नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि बस आज का दिन है तो आज इसको ऐसे ही भेज देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है। टीचर से मैं बात कर लूँगी खुद ही। और हमारे रूम की हालत कुछ इस तरह से है, बिखरा हुआ है पूरा। बच्चे सोकर उठे हैं, शाल अपने स्कूल चले गई है, मनाल का बेड भी बिखरा हुआ है, कंबल वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ हमारी बेडशीट भी उतरी हुई, हम नीचे सोते हैं और ये बच्चे ऊपर सोते हैं। तो खैर, काम तो होते रहते हैं, ज़िंदगी के साथ काम तो चलते ही रहते हैं। रेडी हो गई है ये, मानो रेडी हो गई है। देखिए रोशनी नहीं पड़ रही, पीछे झाड़ू पड़ा हुआ है, अभी हमने सफाइयाँ करनी है। तो ये देखिए मानो प्यारी लग रही है, मानो आज स्कूल जा रही है विदाउट यूनिफॉर्म। तो चले मैं मानो बैग उठाए चले। अभी फ्रेंड्स ये तो बहुत शोर कर रहा है और आज मैंने सोचा है कि मैं कपड़े, इनको देखें, इनकी कोशिश है कि बस अब हम यहाँ से ना बाहर निकल आए। वैसे तो हमने ये तरपाल इसीलिए डाली है, ये जो बहुत हाइट पे हम रह रहे हैं, थर्ड फ्लोर है हमारा, तो ये बहुत हाइट है और ये जो हैं पागल मुर्गियाँ यहाँ से कूद जाती हैं नीचे। और फिर ये जो बड़ा वाला रूस्टर है ना, इसको बहुत ज़्यादा लग गई थी एक बार, इसकी आँख भी आँख ज़ख्मी हो गई थी, चोंच ज़ख्मी हो गई थी। ये सामने वालों के घर में इधर जाके शेड पे लगा था, फिर वहाँ गिरा, यहाँ गिरा था और फिर नीचे गिरा, तो इसको बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो इसीलिए हमने इसके ऊपर तरपाल डाली हुई है ताकि ये कूदे ना। तो बस अभी खाना देने के लिए थोड़ा सा हटाया है, अभी इनको दाना पानी देंगे और फिर ये बंद कर देंगे दोबारा से तरपाल। तो फ्रेंड्स ये देखें मेरी चाय, मैं अब चाय पीती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, तंदूर की रोटी के साथ चाय पी है मैंने, बहुत मज़ा आता है मुझे तंदूरी रोटी के साथ चाय पीने का। और मैं अपनी चाय पीती हूँ जल्दी से। और यहाँ हमने कपड़े इकट्ठे कर दिए हैं, अभी काम वाली आएगी तो आज सफाइयाँ नहीं करवानी उससे नीचे की, आज उससे मैंने कपड़े वॉश करवाने हैं, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है कि कब बारिशें स्टार्ट हो जाएं। और जब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर एक वीक तक बारिशें नहीं ख़त्म होने वाली वेदर में आया है। तो इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि मैं मशीन लगवा लूँ और कपड़े मैं अपने सुखवा लूँ। ड्रायर तो है लेकिन बस जब तक धूप नहीं लगती तो हमें सुकून नहीं मिलता। और ये मिठू ने फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमने कपड़े धोने थे तो तब भी बारिश आ गई थी, और आज फिर हमने सोचा है कपड़े धोने का तो बहुत तेज़ बारिश आ गई है। देखें बहुत शदीद किस्म की बारिश है, चेक करें। अब इस बारिश में कपड़े कैसे धोए जाएंगे समझ ही नहीं आती। साथ हवा भी है, बहुत तेज हवा साथ चल रही है। को देखें इसको ठंड लगी, हम मुँह अपने परों में घुसा के सो गया बारिश की वजह से। और बारिश जो है
वो जोरों शोरों से होती ही जा रही है, नहीं ख़त्म हो रही। तकरीबन 1 घंटा हो गया है कंटिन्यू बारिश चल रही है और बाहर गलियां भर गई होंगी पानी से, बादल गरजने की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो मैं आपको करीब जाके दिखाती हूँ अगर ये डिस्टर्ब ना हो जाए तो। इसको सर्दी फील हो रही है तो अपने आप को छुपाया हुआ है इसने। फ्रेंड्स, तीसरा घंटा चल रहा है बारिश का, थोड़ी सी स्लो हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। और नीचे कुछ ऐसे मंजर पेश कर रहे हैं, देखिए गली हमारी पूरी पानी से भर चुकी है। मेरे मोबाइल में पानी जा रहा है, ये देखिए वो बादल गरजने की आवाज़ें आ रही होंगी। ये देखें वो दूर तक बारिश 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 है और मेरे पानी कैमरा के ऊपर पानी आ गया है। काम वाली हमारी नहीं आई, उसने बहाना ढूंढ लिया होगा कि बस बारिश हो गई है तो बस आज कपड़े मैं नहीं धोऊंगी, रास्ता बंद हो गया है। क्योंकि गली देख ली आपको मैंने दिखा दी है, गली पूरी पानी से भर गई है। मनाल को स्कूल से लाना है और इशाल को भी स्कूल से लाना है, तो इनके बाबा बहुत परेशान हैं, गली की हालात देख रहे हैं। ये देखे खड़े हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा है, पानी भी बारिश तो रुक गई है इतनी नहीं है लेकिन गलियों में पानी भर गया है और तकरीबन हर जगह इसी तरह के हालात होंगे जिस तरह यहाँ है। ओहो, पानी की पोजीशन चेक करें तो सिलेंसर में पानी चले जाता है जिसकी वजह से गाड़ी में भी बच्चे लाना मुश्किल ही होगा, और बच्चों की छुट्टी का टाइम होता जा रहा है तो वो परेशान है। और ये देखें पहाड़, पहाड़ों के आगे बादल आए हुए हैं और पहाड़ छुप चुके हैं। मैं आपको जूम इन करवा करके दिखाती हूँ, ये देखें इस साइड पे पहाड़ों के आगे बादल हैं और इस साइड पे जो है हल्का हल्का सा स्मोगी स्मोगी हो रहा है। तो और बारिश के बाद हर चीज़ धुल के साफ़ सुथरी हो गई है और मुर्गों ने भी बोलना शुरू कर दिया है और कितना साफ़ सुथरा लग रहा है हर। मैंने आज सफाई नहीं की थी लेकिन मेरा फैन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया है और हर चीज़ धुली धुली सी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अभी बारिश अभी भी है लेकिन अभी बहुत स्लो हो गई है, बूंदा बांदी जिसको कहते हैं वो हो गई है। और मैं बस काम वाली नहीं आई तो आटा गूंदने लगी हूँ और फिर कोई सालन वालन बनाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाते हैं। तो जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बच्चों को कहीं लेके। सुबह मैंने आपसे बोला था ना कि आज एक सरप्राइज़ है तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर मैं बताऊँगी। हम घर से निकल चुके हैं, ये इशाल है, ये मनाल, तो जब हम जगह पे पहुंच जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो बारिश के बाद, बारिश रुक चुकी थी तो मौसम अभी वैसा ही अबर आलूदी है लेकिन बारिश रुक चुकी थी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ रुके हैं पेट्रोल पंप पे, नहीं सीएनजी स्टेशन है शायद, तो यहाँ से हम सीएनजी कर भरवाएंगे और फिर अपने सफ़र पे जाएंगे। ये देखें हम हवेलियाँ से गुजर रहे हैं, ये हवेलियाँ की मुझे तो ये वंडरलैंड का रास्ता लग रहा है। पहाड़ इधर से देखें, पहाड़ कहाँ
जा रहे हैं ये हम सरप्राइज ही रखेंगे, पहुंच के बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें सैलाब कितनी शिद्दत अख्तियार कर चुका है। तो अभी हमारे रास्ते में ये सैलाब भी आया था तो हमने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करते चले। तो बहुत तेज रफ्तार है सैलाब की, ब्रिज बहुत ज़्यादा हिल रहा है और ये देखें फ्लो कितना तेज़ है। तो वो आप ही ना आना यहाँ, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। लोगों ने मम्मा कह रही थी सरप्राइज़ है, तो वो ये सरप्राइज़ है, हमें लेके आए हैं वंडरलैंड। इधर जो है मतलब कि ये एक तरह का अम्यूज़मेंट पार्क है और इधर वाटर पार्क सा भी बना हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जिस सरप्राइज़ का मैंने आपको बोला था कि हम कहीं जा रहे हैं तो वो ये है, देखें वंडरलैंड आ गए हम। तो ये है वो। तो बाकी की वीडियो हम नेक्स्ट एपिसोड में देंगे, ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया इसलिए और नहीं बना रहे। अल्लाह हाफिज़।